हमीरपुर जिला के गरसाहड़ के धमरोल गांव में कंडाकी में फंसे तेंदुए की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में काफी लोग इकट्ठे हो गए। वहीं तेंदुए भी जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ नजर आया, क्योंकि देर रात से तेंदुए के फंसे होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार भोरंस की गरसाहड़ पंचायत में फंसा तेंदुआ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है, लेकिन एक्सपर्ट के न होने से वह तेंदुए को कड़ाके से छुड़वाने में नाकाम है। बहरहाल पालपुर स्थित वाइल्ड लाइफ से एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार भोरंस की ग्राम पंचायत गरसाहड़ में कड़ाके में फंसे तेंदुए के मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि धमरोल गांव की गीता देवी घास काटने के लिए सुबह सवेरे जा रही थी, तभी रास्ते में झाड़ियों के बीच तेंदुए के दहाड़ने की आवाज सुनकर वह वहां से भाग गई और पंचायत प्रधान विपिन कुमार को इसकी सूचना दी। जब उप प्रधान सहित गांव वाले मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस थाना भोरंस और फॉरेस्ट विभाग को दी। वन विभाग के आरओ अघार मनसा राम शर्मा, वीओ तरसेम चंद और वन रक्षक नरेश शर्मा और भोरंस थाना प्रभारी मुकेश कुमार अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। वन विभाग के आरओ ने बताया कि तेंदुए बुरी तरह से घायल है और चलने में असमर्थ है। गोपालपुर वाइल्ड लाइफ से एक्सपर्ट की टीम आ रही है और इसे बेहोश करने के बाद ही पता चलेगा कि तेंदुआ कैसे घायल हुआ है।